देर शाम कांग्रेस पार्टी ने आखिर अपने प्रत्याशी घोषित कल कर ही दिए। वैशाली नगर की सेंसिटिव सीट के लिए मुकेश चंद्राकर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस दौरान समर्थकों का हुजूम उनके निवास स्थान पर लगा रहा और बधाई देने वालों का सिलसिला भी चलता रहा। इस बीच हमने भी चंद सवालात उनसे किए, आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम बैठे हैं वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी के घर पे। यहाँ पर समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है, उनके चाहने वाले उनके प्रत्याशी बनाए घोषित किए जाने के सिले की अभी तक के जो उनके साथ में रहे कदम से कदम मिलाकर सारे समर्थकों का हुजूम यहाँ पर है। सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं प्रत्याशी घोषित किए जाने पर और उनसे चंद सवालात वैशाली नगर विधानसभा से जुड़े करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैशाली नगर विधानसभा की जो सीट है काफ़ी सेंसिटिव सीट है, आखिरकार मोहर लग गई और आपके नाम की सहमति बनी, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, किस तरह का कार्य करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोग पार्टी की तरफ से, पार्टी ने जब से जिम्मेदारी है, हम लोग निरंतर ग्राउंड लेवल पे, बूथ स्तर पे संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोगों ने घर घर जाके काम किया है। और अभी चूँकि पार्टी ने हम लोग मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी का, चंदन यादव जी का, वरिष्ठ हमारे राहुल गांधी प्रियंका गांधी, सभी वरिष्ठ लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे सामान्य सा कार्यकर्ता को भी इस लेवल तक और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्र जो RSS बाहुल्य कहलाता है, वहाँ पर सेंध मारना किस तरह पे कामयाबी होगी आपकी? देखिए, मेरा ये विश्वास है कि जनता जनार्दन जिस पे ऊपर विश्वास करती है, जिस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, वही जो है पार्टी में जीत के आता है। तो मैं मुझे पूरा विश्वास है कि वैशाली नगर की जनता जनार्दन जो है हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, माननीय भूपेश बघेल जी के साथ है। तो इस विश्वास के साथ तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि हम लोग जो है वैशाली नगर विधानसभा से जीत के ही रहेंगे। रिकेश वर्सेस मुकेश, सामने में आपके वो कदावर शख्सियत है जो कि वैशाली नगर में अपनी एक पैर जमाए हुए, निर्दलीय पार्षद रहते हुए भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उनसे कैसा सीधा मुकाबला होगा आपका? देखिए, यहाँ पर तो हमारा किसी से मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। जो विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो पिछले 2 साल में नगर निगम ने किया है, जो महापौर ने जी वैशाली नगर विधानसभा में किया है, वो जो आप देखेंगे विगत पिछले 15 साल से भी यहाँ पर आपको विकास कार्य नहीं दिखता था, वो पिछले 2 ही साल में दिखने लग गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो है, उनके 5 साल में जो 2 साल कोरोना को निकाल दें तो 3 साल जो उनका कार्यकाल बचता है, उस 3 साल के कार्यकाल और पिछले 15 साल के भाजपा के कार्यकाल के तुलना में, और हम विकास कार्यों के और जनहितैषी जितने मुद्दे हैं उनको लेकर हम जनता के पास जाएंगे। पूर्व के विधायक थे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, उनके द्वारा कई ऐसे विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं, जो जनता चाहती थी कि पूरा हो, आप उसको कैसा पूरा करेंगे? बिल्कुल, स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी को मैं जो है नमन करता हूँ और उनके जो भी कार्य यहाँ पर उनके अकस्मात देहावसान की वजह से जो भी काम यहाँ पर अधूरे होंगे, मैं पूरा उसको हर एंगल में और पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। बात सौंदर्यीकरण करें तो राज्य के मुखिया का भी स्वप्न है कि टाउनशिप की तर्ज पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र भी सुंदर हो और सौंदर्यीकरण बढ़े, उसके लिए कैसा प्रयास रहेगा आपका अगर आप जीत के आते हैं तो? देखिए, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आप देखेंगे कि डबरा पारा में आपके सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, चंद्रा मौर्य टाकेज के पास चल रहा है। आप घड़ी चौक में देखेंगे कि उसका सौंदर्यीकरण हो चुका है, नेहरू नगर में हो चुका है। इसी तरह जो है आगे की प्लानिंग में हमारी अवंती बाई चौक है, गदा चौक है और वहाँ पर एकता चौक है और हाउसिंग बोर्ड के चौक, ये सारी चीज़ हमारे शारीरिक सौंदर्यीकरण के विकास कार्यों में माननीय महापौर जी के साथ हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए सिर्फ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था, तो उसके भी भूमि पूजन हो गया और कई ठोक कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं। ऐसे नए कौन से मुद्दे आप चुनेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे जो जनता को लुभाएंगे? हम लोग लुभावनी वाली बात नहीं करते, हम जनता के बीच उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उनका जो सुख दुख होगा, उसके लिए हम पूरी तत्परता के साथ और खुद ही स्वयं जो है सामने आके मैं उस पर दूर करूंगा। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आप लोग के माध्यम से मैं पूरे समस्त वैशाली नगर के जनता को और अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, दशहरे की शुभकामनाएं और दिवाली की भी बहुत बहुत बधाई, छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मुकेश चंद्राकर सर, जिला अध्यक्ष जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रिकेश सेन है उनसे सीधा मुकाबला इनका है। अपने कई मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है, हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ में है। बने रहिए हमारे साथ और ताज़ा खबरें देखते रहिए। नमस्कार।